दोस्तों आज मैं आपके लिए डायनासोर के समय के 5 सबसे खतरनाक जानवर लेकर आया हूँ, जो सालों पहले हमारी धरती पर राज करते थे, जिनके आकार को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। द डंक लियोस्टेयर्स। बताया जाता है कि ये जानवर 10 मीटर लंबा हुआ करता था और इसका वजन 400 किलो का होता था, जो कि व्हाइट शार्क की साइज से दुगना बड़ा हुआ करते थे। आपको बता दूं, डंक लियोस्टेयर्स के जबड़े को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, जिसके हमले से किसी का भी बच पाना नामुमकिन हुआ करता था। लेकिन डंक लियोस्टेयर्स की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि उसे अपना मुंह खोलने में काफी समय लगता था, जिसके कारण कई बार वो अपना शिकार गवा देती थी। द लोंगी स्क्वामा। क्वेनोसोरस के समय की रेप्टाइल की सबसे छोटी प्रजाति, जो करीबन 240 मिलियन सालों पहले हमारी धरती पर रहा करती थी। बताया जाता है कि लोंगिस्क्वामा के जीवाश्म सबसे पहले क्यूंगिस्टन में मिला था, जिसके तितली के जैसे पंख हुआ करते थे। वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता लगाने में लगे हुए, क्या ये जीव उड़ सकता था और वो कौन सा पक्षी था जिसके पंख लोंगिस्क्वामा के शरीर पर मौजूद है। द पेटेरोड्रोस्टो। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला पेट्रोसोरस की ये प्रजाति, जिसके बतख के जैसे चोंच होती थी, लेकिन उसके चोंच के दांत बाकी पेट्रोसोरस से काफी अलग और बेहद खतरनाक हुआ करते थे। जब वैज्ञानिकों को पहली बार इसके कंकाल मिले तो वो करीबन 105 मिलियन सालों पुराने थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये जीव उड़ भी सकते थे, जो ज्यादातर समुद्री जानवरों को अपना शिकार बनाया करते थे। द सारोवी पेटेरियक्स। छिपकली की प्रजाति का ये रेप्टाइल, जिसके आगे के पैर तो किसी आम छिपकली के जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन इसके पीछे के पैरों पर पंख हुआ करते थे और वो आगे के पैरों की तुलना में काफी बड़े हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये उड़कर कहीं भी चले जाते थे, जो अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते थे। स्टेथोकैंथस शार्क। करीबन 300 सालों पहले ये शार्क हमारी धरती पर रहा करती थी, जिसकी पहचान इस शार्क के सिर पर मौजूद नुकीले कांटों से की जाती थी, जो कि इसके सिर के साथ साथ इसकी पीठ पर भी उगा करते थे, जिनके अग्रेसिव स्वभाव के कारण कोई भी जानवर इनके करीब नहीं जाना चाहता था, जो कि पानी की काफी गहराई में पाए जाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े जानवरों पर ही हमला करते थे। दोस्तों, क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक मिलेगा, जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।